अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? आज संडे है तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ शेयर करने आई हूँ। और ये भी बतानी है कि आप फिल्टर के बगैर, क्योंकि अक्सर मुझे डीएम आ रहे थे आयशा फिल्टर के बगैर आओ, तो मैं आपको याद करवाऊँ कि आज से 2 साल पहले मैं वाहिद थी जो फिल्टर के बगैर आती थी। आप ना, मैं फिल्टर के बगैर आती थी और फिर मेरे फॉलोअर्स बढ़े थे बगैर फिल्टर के। आप लोग भी इतनी तारीफ किया करते थे, आयशा आप वाहिद लड़की है जो फिल्टर नहीं लगाती और हमें बहुत ज्यादा पसंद है, बहुत सिंपल है। तो मैंने सोचा आज फिल्टर के बगैर आ जाऊं, क्योंकि तब मेरे पास मोबाइल ही नहीं था जिसमें फिल्टर होता था। तो मैं ये कहने आई हूँ कि बहुत बहुत थैंक्स मेरी आमना के 100K करने के लिए। और आमना आपको भी हमें बारी को थैंक यू बहुत है बारी, और ये सब कुछ हुआ है और फॉलोअर्स की वजह से। हाँ, तो मैं बस यही बोलना चाहूंगी आमना कि अब आपने एक्टिव रहना है। एक्टिव रहूंगी इंशाल्लाह, क्योंकि आप रील्स ही नहीं बनाती ना, आप स्टोरी शेयर करती हैं, तो फिर आपके फॉलोअर्स कैसे बढ़ेंगे? कोशिश मेरी यही है कि मैं एक्टिव रहूं ज्यादा से ज्यादा। चले ठीक। तो आमना ने मेरे साथ प्रॉमिस किया है कि आमना जब बेबी हो जाएगा तो एक्टिव रहा करेगी इंस्टाग्राम पर और रील्स भी बनाएगी। क्यों आमना? तो फिर आपने क्या काम करना है, इसके जल्दी से 200K करने हैं, ठीक है? अगर आमना ने आज से 2 साल पहले अपने इंस्टाग्राम पर एक्टिव रहती तो मुझे तो यकीन है मेरी आमना के 1 मिलियन फॉलोअर्स होने थे। लोगों को पता ही नहीं कि आमना इंस्टाग्राम पर भी, ज्यादातर यूट्यूब पर लोग जानते हैं आमना को। बोलना चाहती हूँ, आमना मेरे साथ हैं। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि कुछ दिन पहले मैंने अपनी ना पिक्चर्स शेयर की हैं रिसेप्शन की आमना की, तो कुछ लोगों को लगा कि मैं किसी को दिखाने के लिए किया है, कॉपी किया है। हुआ ये था कि आमना मेरी बात सुन रही हो? हुआ क्या था पता, तुम्हें भी बताओ, तुम्हें भी सोच रही हो शायद। हुआ ये था कि ढोलकी की जब मैंने रील अपलोड की ना, तो लोगों ने बहुत अच्छे डीएम किए मुझे, साथ ना कमेंट्स किए कि आयशा आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपका ये लुक बहुत जबरदस्त है, आज से पहले आप इतनी प्यारी नहीं लगी। तो मुझे याद आया कि आमना की शादी के टाइम मेरी इतनी तारीफ हुई थी ना, तब मेरा न्यू मतलब इंस्टाग्राम था, तो यही कहते थे दूल्हे से भी ज्यादा आयशा को मेकअप सूट किया है। और तो इसलिए मुझे याद आया कि मुझे तो हमेशा ही कहा जाता है कि आयशा आपको मेकअप बहुत सूट करता है, आपकी ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छी है। तो मुझे उन लोगों को याद करवाया जो न्यू होंगे, बेचारों को नहीं पता होगा हमने, जो न्यू फॉलोअर्स हैं बच्चे, तो उनको मैंने याद करवाया कि मेरी तो हमेशा ही तारीफ होती है, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम नहीं ऐसा लुक किया, हमेशा मेरी तारीफ की है जब भी मैंने मेकअप किया। तो ये रीजन थी, और भी बहुत सी बातें हो रही हैं। और मैं आपको यहाँ बताना चाहती हूँ, मैं और आमना यूट्यूब पर 8 साल से हैं और आमना का लाइफ विद आमना चैनल 5-6 साल हो गए हैं ना, आमना 5-6 साल से है। और जो वेडिंग व्लॉग्स का ट्रेंड था ना, वो लाइफ विद आमना की वजह से स्टार्ट हुआ था। कोई भी नई लड़की थी जो अपनी वेडिंग इस तरह दिखाती थी, तो फर्स्ट यूट्यूबर थी जिसने अपनी शादी दिखाई थी और इतनी उसकी शादी फेमस हुई थी बहुत ज़्यादा। और आप लोग बोल रहे हैं कि हम कॉपी कर रहे हैं, हम ये काम आज से 8 साल पहले कर चुके हैं जो आजकल न्यू यूट्यूबर कर रहे हैं। और शादी बहुत ज़्यादा आजकल इन हर ब्लॉगर शादी दिखाता है, तो हमने तब किया था जब पता ही नहीं था कि शादी दिखाई भी जाती है कि नहीं दिखाई जाती। और वही लड़की थी आमना जिसने ब्लॉगिंग स्टार्ट की थी पाकिस्तान में, मतलब लड़कियों में जो इन हुई थी। और पर रीज़न यह था कि आमना साहब ब्लॉगिंग नहीं करती, क्योंकि हमारा जब फोकस होता था किचन विद आमना पर होता था, फिर भी लोगों ने आमना को लाइफ विद आमना ब्लॉगिंग इतनी पसंद की, हम सोच भी नहीं सकते थे कि आमना को ब्लॉगिंग में भी इतना पसंद किया जाएगा। क्यों आमना, आपने सोचा था? नहीं, शौक मुझे था पर मैं खुद नहीं करती थी, मुझे कैमरा के पीछे आने का शौक होता था। मैं कहती थी मैं आमना करे और मैं आमना को बताऊं आमना ऐसे कर लो ऐसे कर लो, तो मुझे कोई बताने वाला नहीं था, तो मैं आमना को हमेशा कहती थी आमना इस तरह कर लेते हैं। तो इसलिए मैं चाहती थी मेरी आमना करे और मैं बिहाइंड द कैमरा रहूं। तो अब मुझे मजबूरी सामने आती हूं क्योंकि सब कर रहे हैं, मैंने कहा मैं भी कर लूं ब्लॉगिंग आमना, क्योंकि आमना मुझे कहा करती थी करो करो, सब कहते थे अम्मी। तो थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मेरी आमना को इतना पसंद किया, मतलब उसके कुकिंग चैनल को तो पसंद किया ही, उसकी पर्सनालिटी को भी इतना पसंद किया कि उसके व्लॉग्स आपको बहुत पसंद आए। और अभी भी जब उसके पास टाइम होता है वो व्लॉगिंग कर लेती है, पर आमना ने भी साथ प्रॉमिस किया है कि बेबी के बाद वो भी व्लॉगिंग किया करेगी, पर कुकिंग उसकी पहले रहेगी क्योंकि वो शेफ है।
तो वो कुकिंग नहीं छोड़ सकती, उसका फर्स्ट जो फोकस है ना अपने किचविन आमना चैनल पर ही रहेगा हमेशा। तो थैंक यू सो मच आमना, कितना लाइक करने